नमस्कार, मैं द्विजेश उपाध्याय, संगीत नृत्य एवं कला प्रदर्शन विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। जितने भी हमारे संगीत के विद्यार्थी हैं, आज उनके लिए एक जो हम विषय लेके आए हैं, जिसकी चर्चा हमने पिछले अपने जो वीडियो व्याख्यान है उसमें भी करी थी, आज हम उसका दूसरा भाग लेकर आए हैं और वो है भारतीय शास्त्रीय संगीत की तालों को विभिन्न लयकारी में आपका लिपिबद्ध करना। और आज हम जो लयकारियाँ ले रहे हैं वो हैं आड़, कुआड़ और बियाड़ लयकारी। जैसा कि लय के बारे में हमने आपको बताया है कि जो समय की समान गति है उसको लय कहते हैं, और हमारे शास्त्रीय संगीत में और या हम कहें भारतीय संगीत में हमारे तीन लय हैं, ये सभी आप लोग जानते हैं, विलंबित, मध्य और द्रुत लय। और उसके बाद जब हम लयकारी की बात करते हैं तो पिछले वाले हमने व्याख्यान में आपको बताया था कि लयकारी क्या होती है। लयकारी होती है कि लय के जो विभिन्न दर्जे हैं उनको दिखाने की जो प्रक्रिया है उसको हम लयकारी कहते हैं। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से दो प्रकार की लयकारियाँ आती हैं, एक सीधी लयकारी जिसके अंतर्गत दुगुण, तिगुण, चौगुण लयकारियाँ आती हैं, जिसका वर्णन हमने पिछली अपने जो व्याख्यान है वीडियो व्याख्यान उसमें किया था। और आज जो हम लेकर आए हैं वो है आड़, कुआड़ और बियाड़ लयकारी। तो सबसे पहले हम लेते हैं आज आड़। आड़ लयकारी क्या होती है आज हम ये जानेंगे, और हम तालों को आड़ की लयकारी में कैसे लिपिबद्ध करेंगे ये भी हम आज सीखेंगे। तो आड़ लयकारी क्या होती है कि जैसे हमने बताया आपको पहले कि सीधी लयकारियों में दुगुण का मतलब होता है कि एक मात्रा में दो मात्रा आना, तिगुण होती है एक मात्रा में तीन मात्रा, चौगुण होती है एक मात्रा में चार। उसी प्रकार से जब हम आपकी आड़ की बात करते हैं तो एक मात्रा में डेढ़ मात्रा, एक मात्रा में आपकी 1.5 मात्रा, इसको हम आड़ की लयकारी कहेंगे। या थोड़ा और इसको अगर हम सरल करें तो हम ये कहेंगे कि दो मात्रा में तीन मात्रा, ठीक। आप इसमें क्या करते हैं कि जैसे हमने आपकी काउंटिंग के हिसाब से किया कि जैसे हमारा एक ये आ गया, ठीक है, दो और तीन ये आ गई, और हमने इसको क्या कर दिया ऐसे, ये तीन यहां, इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे कि हमने एक दो और तीन मात्रा हमने लिख ली। अभी हमने खाली को संख्या के रूप में लिखा हुआ है और एक एक हमने उसमें अवग्रह लगा दिया, और इसका मतलब है कि इसका हमने विस्तार किया है, इसको एक्सपेंड किया, एक मात्रा को इस तरीके दर्शाया है कि इसके साथ एक का भी हमने दो बना दिया है और दो को भी हमने एक एक जोड़ दिया, तीन में भी हमने एक एक जोड़ दिया। तो इस प्रकार से, लेकिन अब क्या है कि दो मात्रा में हमारी तीन मात्रा आनी है, तो तीन मात्रा कैसे आ रही, एक दो तीन, एक दो तीन। तो अब देखेंगे कि मात्राएं दो हैं, और इस प्रकार से देखेंगे कि एक मात्रा में हमारी डेढ़ मात्रा आ रही है, ठीक है। तो ये हमारी है आड़ की लयकारी। हम कुआड़ लयकारी के बारे में जानेंगे। इसके दो मत होते हैं, एक तो है आड़ की आड़ को कुआड़ लयकारी कहते हैं, ये बहुत बहुत प्रचलित नहीं है। जो इसका दूसरा जो मत है वो ज्यादा प्रचलित है, वो क्या होता है कि आपका एक मात्रा में सवा मात्रा 1.25, या इसको हम और सरल रूप में समझाने का प्रयास करेंगे तो हम ये कहेंगे कि चार मात्रा में पांच मात्रा, एक मात्रा में सवा मात्रा 1.25 मात्रा, चार मात्रा में पांच मात्रा। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने लिख दिया एक दो तीन चार और ये पांच, ये पांच हमने लिख दिया, और हमने सब में क्या किया कि एक मात्रा की हमने चार मात्रा बना, यानी कि एक मात्रा ये है, बस इसमें तीन
हमने जो इस प्रकार से डिनोट करते हैं वगैरह लगाना लगा दिए सभी में। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें यहां पीछे से पांच पांच मात्राओं का वो एक मात्रा बना लेंगे, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, ये एक दो तीन चार पांच और एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार। तो इन चार मात्राओं में आपने देखा कि ये पांच मात्रा है। इसको एक मात्रा में जो हमने सवा मात्रा कही, तो इसको सवा गुण भी कहा जाता है। ये आपको क्लियर हो गया? ठीक है, इसके हमने बता दिया कि आपके दो मत प्रचलित है, लेकिन इसमें से भी जो दूसरा मत है जिस पर हम एक मात्रा में आप सवा मात्रा, चार मात्रा में पांच मात्रा को हम डिनोट कर रहे हैं, ये ज्यादा अधिक प्रचलित है और हम इसी पर चर्चा करेंगे। अब है बियाड़ के लेकर, इसके भी दो मत हैं, जिसमें एक कहा था कि कुआड़ ले की आड़ को हम बियाड़ कहते हैं, और इसमें एक जो दूसरा वाला वो है, दूसरा मत जो होता है वो है आपका जिस पर हम आज चर्चा करेंगे और जो अधिक प्रचलित भी है, वो है आपका चार मात्रा में सात मात्रा या एक मात्रा में पौने दो मात्रा 1.75। इसको हम पौने दो गुण भी, ठीक है, चार मात्रा में जब सात मात्रा बता रहे हैं, या हम उसको और इतर से देखेंगे तो एक मात्रा में 1.75 यानी कि पौने दो गुण मात्रा, अगर पौने दो मात्रा आती है तो उसको हम बीआर की लयकारी कहते हैं और उसको पौने दो गुण भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। अब इसमें से जब हमने तीनों चीजों को देख लिया तो हम बताएंगे जो हमारी आड़ है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तीन बच्चे दो से, कुआड़ को हम करते हैं पांच बट्टे चार से डिनोट, और बियाड़ को करते हैं सात बट्टे चार से डिनोट। तो कहीं भी अगर इस तरीके से आपको ये दिखे तो आप समझ जाएंगे कि कौन सी लयकारी है, कि तीन बट्टा दो अगर चल रही तो आड़ की लयकारी होगी, पांच बट्टा चार अगर लिखा होगा तो कुआड़ होगी, और सात बट्टा चार होगी तो बियाड़ की लयकारी होगी। ये ध्यान देने योग्य चीज है। अब हम जब बात करते हैं कि तालों को इन लयकारियों में कैसे लिखा जाएगा, तो एक एक करके हम सबसे पहले आर से शुरू करेंगे, फिर कुआर, फिर बियार, और हम एक ताल आज तीन ताल ले लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि ये तीन ताल में आर कुआर और तीन ताल की आर कुआर और बियार लयकारी किस प्रकार से लिखी जाती है। तो जैसा कि आपको पता है कि तीन ताल में आपकी मात्रा आ गई 16, विभाग आ गए 4, ताली है 1, 5, 13 पर, और खाली है आपकी 9 मात्रा पर। और तीन ताल क्या है आप सभी जानते हैं, अब हमने बात करी आड़ की, आड़ हमने बताया कि 3/2, तो 3/2 पे हम अब जब हम इसको देखेंगे कि तीन ताल की आड़ कितनी मात्रा में आएगी, कितनी मात्रा बाद शुरू होगी, ये सब चीज़ें कैसे हम देखते हैं, कैसे हम इसको निकालते हैं, ये हम आपको बताएंगे। तो देखिए, 3 मात्रा आती है 2 मात्रा में, ठीक है, तो 1 मात्रा आएगी आपका 2/3 मात्रा में, और हम तीन ताल की बात कर रहे हैं तो आप
आपकी 16 मात्रा आएंगी कितने में, 2/3 ना 16। ठीक, अब इसको क्या हम क्या अगर देखेंगे तो 16 × 2 = 32, 32/3 ही आ गया। इसको थोड़ा और हम अगर एक तरह से और देखना चाहेंगे तो क्या आएंगे, 3.30 और ये इस तरीके से आएगा 10 whole 2/3। अब ये आ गई कि 3 ताल की जो आर है एक आवर्तन में वो कितने में आएगी, 10 whole 2/3 मात्रा में। ठीक है, अब हम कहेंगे कि इतने में तो आ गई, अब कितने मात्रा के बाद शुरू होगी उसको कैसे निकालेंगे ये अब हम देखेंगे। तो हम 3 ताल की बात करें तो 16 ये आ गया, इसको हम माइनस कर देंगे, इतनी मात्रा में आपकी आर आ जाएगी। तो ये हो गया 10 whole 2/3। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो जब इसके नीचे कोई एक कुछ भी नहीं होता है तो इसको नीचे अपॉन 1 कर देते हैं और यहाँ पे आ गया ये 32/3। अब 1 और 3 का हम एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक, इसका आ गया 3, 1 3 जा 3 तो 16 3 जा 48 ये आ गया, और 3 1 जा 3 तो 1 × 32 32 आ गया 32, और अगर हम ये करेंगे तो यहाँ पे आ गया 16 3। इसको अगर हम होल वाले उसके हिसाब से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 whole 1/3, 5 × 15 = 16 16/3। तो ये इम्पोर्टेंट है कि 3 ताल की जो आर है वो कितनी मात्रा के बाद आएगी, कितनी मात्रा में आएगी 10 whole 2/3 में, कितनी मात्रा के बाद आएगी 5 whole 1/3 में। अब आर हमने बताया आपको कि 3/2 होती है, इसमें क्या किया जाता है कि हर एक जो हमारा मात्रा है उसकी हम 2 मात्रा बनाएंगे। 2 मात्रा कैसे बनाएंगे, सबके आगे हम एक एक एस जिसको हम कहते हैं आ वगैरह लगा देंगे। तो ये 16 मात्रा है, सब में एक एक जोड़ दे कितना हो गया 32, ये देखिए 32 आ गया। अब क्या है, सबके 2-2 हम मात्रा बना देंगे और 3-3 मात्राओं के हम पेयर बनाते हुए चलेंगे, और यहाँ पे ये किया तो इसको यहाँ प्लस कर देंगे, 1 है और यहाँ का ये 1-2, इसको भी हम प्लस कर देंगे, ये और ये 1 मात्रा है। फिर यहाँ से अब यहाँ पे देखिए 2 बज गई, 3 सब में 3-3 मात्रा आएगा, यहाँ से 2 ही मात्रा है, तो अब इसमें हम 1 को एक मात्रा को जोड़ देंगे। तो देखिए हमारे कितनी 10 पूरी मात्रा, उसके बाद 11वीं की 2/3 ये है, और 5 मात्रा पूरी है 11वीं की, ये वाली 1/3 मात्रा ये है। तो 10 और 5 = 15 और 2/3 को और 1/3 को हम जोड़ेंगे तो वो ऐड करके 1 मात्रा दो 16। तो इस प्रकार से 16 मात्रा जाएंगे। तो अभी देखिए इसमें 1 2 3 4 5 ये 6 7 8 9 10, 10 पूरी हो गई, 2 में ये बचा और यहाँ का एक बचा, ये आ गया। तो ये हमारी कितनी मात्रा आ गई, 11। अब 11 आ गई, 11 में हम कितनी जोड़ेंगे 16 बनाने के लिए, 5, 11 5 16, 1 2 3 4 और 5, ये देखिए 5 मात्रा 5 whole 1/3 मात्रा के बाद शुरू हो गई। तो 5 तो हमारी पूरी ये हो गई, 1 हमने ये जोड़ा है और इस प्रकार से हमारी 3 ताल हो गई। अब इसमें जब हम पेयर बनाए थे, एक बार आप सबको याद रखनी है कि जब पेयरिंग करेंगे हमेशा पीछे से करेंगे, ठीक है। और अब जब हम इसमें जो हमें 3 ताल के जो मात्रा विभाग ताली खाली लगाना है, इसमें हमने आपको मात्रा देखिए 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16, ये 16 मात्राएं हो गई। विभाग 4 है, 1 2 3 4 के बाद, 1 2 3 4 के बाद फिर एक विभाग, 1 2 3 और 4 के बाद विभाग, 1 2 3 4 के बाद, और यहाँ ये हमारा सम। फिर हमने पहली मात्रा पे क्या है, सम ताल की प्रथम मात्रा, इसको हमने इससे डिनोट कर दिया। पांचवी पे हमारी दूसरी ताली है, तो यहाँ पे इसको जो ताली संख्या के हिसाब से 2 से डिनोट करते हैं। नवी पे हमारी खाली है जिसको 0 से डिनोट करते हैं, और 13वीं पे हमारी फिर से ताली है, तो ये तीसरी ताली संख्या। ये आपको इस तरीके से 3 ताल की आर लयकारी लिखी जाएगी एक आवर्तन में, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम आपको बताएंगे कुवाड़, फिर से हमारा वही 3 ताल हम लिखेंगे, तो हमें कैसे लिखना है।
ये हमने तीन ताल लिख दी है। अब हम बात कर रहे हैं कुवाड़ लेकर। कुवाड़ क्या होती है? 5/4, जिसको हम सवा गुण भी कहते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पांच मात्रा आती है चार मात्रा में, एक मात्रा आएगी 4/5 में। अब तीन ताल की बात है तो 16 मात्राएं आएंगी 4/5 ना 16, ठीक है। इसको हम और होल में अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, 12 × 5 = 60, 12 होल, 12 × 5 = 60 और 64 / 5, ठीक है। तो जो तीन ताल की कुवाड़ है वो इतनी मात्रा में आएगी 12 होल 4/5 में। अब कितनी मात्रा के बाद शुरू होगी उसको निकालने के हम क्या करेंगे, तीन ताल 16 मात्रा की, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे 4/5 को, इसको ऐसे लिख लेंगे और यहाँ 64/5, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक या 5 1 5 5 16 80 5 1 5 तो 64 × 1 = 64, 16/5 तो 5 × 3 = 15 5 × 15 = 16/5। तो तीन ताल की जो कुवाड़ है वो कितनी मात्रा के बाद शुरू होगी, 3 होल 1/5, ये देखिए 12 और 3 = 15, 4/5 और 1/5 को मिलाएंगे तो उसको एक मात्रा हो जाएगी जो 16। तो इस प्रकार से ये आपकी इतनी मात्रा में 12 होल 1/5 मात्रा में तीन ताल की कुवाड़ आ जाएगी और 3 होल 1/5 मात्रा के बाद शुरू होगी। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना है कि कुवाड़ हमें पता है कि 5/4 है, तो हर मात्रा को हम चार चार मात्रा बना लेंगे। तो एक मात्रा ये है, इसमें हम तीन तीन अवग्रह लगा देंगे, ऐसे निकलता है। हमने हर एक मात्रा की चार मात्रा, तो देखिए ये आ गया 64, ठीक है, हर एक मात्रा की चार बना के 64 आ गया। अब हम क्या करेंगे, पांच पांच मात्राओं के हम पेयर बनाएंगे। अब ये देखिए, और पेयर हमेशा बैक साइड से हमको बनाना है, 1 2 3 4 और 5। तो अब देखिए सब में हमारे चार चार मात्रा हमने बनाई और पांच पांच मात्राओं के पेयर बनाए, तो यहाँ पे कितनी मात्रा बच गई, एक। तो फिर से हमने इसको यहाँ एक ऐड कर दिया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 9 10 11 12 और 13, 12 मात्रा हमारी पूरी है और 4/5 यानी कि 4 बची 5 है, 4 ये है और एक हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब इसके बाद तीन मात्रा के बाद है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 1 2 और 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, इस प्रकार से हमारी ये 16 मात्रा होगी। अब इसको विभाग में कैसे हम करेंगे, 1 2 3 4 के बाद ये विभाग, 1 2 3 4 के बाद ये विभाग, 1 2 3 4 के बाद विभाग, 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ दहा कर देंगे और यहाँ इसका सम। आप यहाँ पे ताली प्रथम मात्रा सम, इस पे दूसरी ताली संख्या पांचवी मात्रा पे इसको 2 से डिनोट, नवी पे आपकी खाली और 13वीं पे आपकी 3 तीसरी ताली संख्या। इस प्रकार से ये हमारी कुवाड़ की लयकारी आ गई, ठीक है। अब हम आपको बियाड़ की लयकारी बताएंगे। ये हमने तीन ताल लिख दी, अब हम बात कर रहे हैं बियाड़ लयकारी। हमें पता है बियाड़ लयकारी क्या होती है, 7/4 2/2। अब इसमें हम क्या करेंगे, 7 मात्रा आती है 4 मात्रा में,
एक मात्रा आएगी 4/7 मात्रा में, हम तीन ताल की बात करें तो 16 मात्राएं कितने में आएंगी, 16। जब इसकी बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 9 होल 1/7 7 60 थी और 64 अपन 7। तो तीन ताल की जो बीआर लेकर आ रही है वो कितनी मात्रा में आएगी, 9 होल 1/7 मात्रा में। अब कहां से शुरू होगी इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 16 जो मात्रा है हमारी उससे माइनस कर देंगे, 9 होल 1/7 आएगा 16/1 माइनस 64/7। 1 और 7 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक 7 आया, 1 7 7 तो 7 का करेंगे ये ठीक, ये आ गया। इसके बाद 7 6 42 और 6 48 48/7। तो कहां से शुरू होगी, 6 होल 6/7 मात्रा के बाद ये शुरू होगी बीआर की लयकारी। अब जब हम इसको इसमें दिखाएंगे कि कैसे लिखी जाएगी तो देखिए बीआर लयकारी है 7/4, हर एक मात्रा की 4 मात्रा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक मात्रा जो है और सब में तीन तीन मात्रा लगा देंगे, इसको हम ऐसे जोड़ कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया। आप इसमें बीआर में क्या करेंगे, 7-7 मात्राओं के पेयर बनाएंगे, वो भी हम क्या करेंगे पीछे से बनाएंगे। सात सात के हम पेयर बनाते हुए चल लेते हैं। अब यहां सिर्फ एक मात्रा बची तो उसमें कितने जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये 7 का पेयर बन गया। देखिए ये है ना 6/7, ये अब कितनी मात्रा हो गई हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 9 ये पूरी हो गई थी और ये 10वीं आपकी ये है। अब 10 में कितना जोड़ेंगे कि हमें आपको 16 हो जाए, 6। तो यहाँ पे क्या किया हमने, 1 2 3 4 5 6, ये 7वीं मात्रा, ये 8वीं मात्रा, ये 9वीं, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, 14, 15 और ये 16। अब इसके विभाग 1 2 3 4 के बाद विभाग, 5 6 7 8 इसके बाद विभाग, 1 2 3 इसके बाद विभाग और यहाँ सम। पहली मात्रा पे सम, पांचवी मात्रा पे दूसरी ताली संख्या, नवी मात्रा पे खाली और तेरहवीं पे तीसरी ताली संख्या। इस प्रकार से ये हमने इसको एक आवर्तन में तीन ताल की बीआर लयकारी लिपिबद्ध कर दी। जितने भी विद्यार्थी हैं हमारे संगीत के शिक्षार्थी हैं वो एक बात ध्यान रखें कि अभी हमने जो उदाहरण लिया है वो तीन ताल का लिया है। तीन ताल में एक मात्रा सब एक ही मात्रा के बोल हैं कि धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। लेकिन जैसे हमारे और जो ताले हैं जिनमें जैसे एक ताल है धिन धिन धागे त्रिकट तू ना तत्ता धागे त्रिकट धी ना, तो उसमें एक मात्रा में एक मात्रा या बोल या वर्ण आ रहा है और कहीं दो मात्रा या बोल या वर्ण आते हैं या कहीं चार भी आते हैं। तो जब हम इन चीजों में एक मात्रा की दो मात्रा बनाएंगे या एक मात्रा की चार मात्रा बनाएंगे तो उस पर विशेष हम ध्यान रखेंगे कि अगर जैसे हम एक की एक बना रहे हैं तो अगर त्रिकेट है तो उसको एक हम एक मानेंगे, एक की अगर हम दो बना रहे हैं त्रिकेट में उसको दो मानेंगे तिर और किट को, और जब हम एक मात्रा की चार मात्रा बनाए तो हम त्रिकेट को भी हम एक मानेंगे कि उसको हम चार मात्रा मानेंगे तीर किट। ये इन चीजों का विशेष ध्यान देना। उदाहरण के लिए अभी हमने सिर्फ आपको तीन तार का है सीखने के हिसाब से आपको यहाँ पे बताया। तो इस प्रकार से आपने आज तीन ताल की आड़ कुआड़ और बियाड़ लयकारी को
लिखना सीखा है। आप और तालों का भी अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।